के लिए बहुत खुश हूँ और दुआ करता हूँ हमेशा खुश रहें, साथ रहें और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। सो हमेशा खुश रहें। कैसे बॉन्डिंग रही है उनके साथ, अगर इस बारे में कुछ शेयर करना चाहिए, कोई फन मेमोरी हो अगर उनके साथ? बहुत सारे मेमोरीज हैं सेट पर, कई बार हम लोग कुछ सीन्स करते करते हंस पड़ते हैं और फिर एक बार हंसी छूटती है रुबीना की तो फिर वो नॉन स्टॉप चलती है, तो कई बार हुआ है ऐसा। शादी की जब से बात चली है तो सेट पर कितना मतलब डिस्कशन होता था इस बात पर, क्या मतलब? रुबीना एक्चुअली उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि वो काम भी कर रही थी और साथ ही साथ शादी की प्लानिंग भी चल रही थी, सो उस वजह से वो दोनों काम एक साथ कर रही थी, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। थैंक यू सर, किसी को याद है तो फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे खुद मेरे बर्थडे के बारे में क्या सेलिब्रेशन होनी है ये नहीं पता था, मेरे लिए सरप्राइज़ था। मेरे फ्रेंड्स ने और फैमिली ने प्लान किया कि भाई चलो अब इसको सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि मैं सबको सरप्राइज़ देता हूँ, तो इस बार मुझे सरप्राइज़ मिला, सो बस प्लान बन गया। देखिए ऑब्वियसली हम लोग सब यहाँ थे और रुबीना वहाँ पर थी, पर बैलेंस आउट करना ज़रूरी था क्योंकि हरमन और सौम्या दोनों एक साथ कहीं नहीं जा सकते ना, तो एक इंसान को सेट पे रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है, दूसरी शादी करके आ गई हुआ। कितनी धमाल होने वाली है देखते हैं अभी अंदर, अभी तो फिलहाल आपने अंदर जाने नहीं दिया।